हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए पिंक ग्लो चैनल को, साथ ही इस घंटे को दबाना मत भूलिए। ब्यूटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुफ्त में पाने के लिए। हर गर्भवती महिला के गर्भावस्था के दौरान प्रेगनेंसी के लक्षण अलग होते हैं। ये लक्षण महीने के महीने बदलते भी रहते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान सभी महिलाओं में एक जैसे होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में हार्मोन्स में बदलाव होते रहते हैं, जिस कारण पूरे 9 महीने तक गर्भवती महिला में शारीरिक और मानसिक बदलाव होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान हर महीने दिखने वाले लक्षण क्या होते हैं। आइए जानते हैं गर्भावस्था के पहले महीने में दिखने वाले लक्षणों के बारे में। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में यदि आपका पीरियड सेम डेट पर नहीं हुए हैं या कुछ दिन ऊपर हो गए हैं तो आप गर्भवती हो सकती हैं। अपने घर पर प्रेगनेंसी किट की मदद से आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। प्रेगनेंसी की पुष्टि होते ही महिलाओं में खुशी की भावना आती है और मातृत्व का एहसास होने लगता है। वहीं गर्भावस्था के दूसरे महीने में प्रेग्नेंट महिला के शरीर में होने वाले हार्मोन्स में बदलाव के कारण कई तरह की परेशानियां होती है, जैसे कि थकान, मॉर्निंग सिकनेस, एसिडिटी, कमजोरी, ये सारे लक्षण दिखते हैं। मॉर्निंग सिकनेस की वजह से महिलाओं को कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से प्रेग्नेंट महिला काफ़ी वीकनेस महसूस करती है। फ्रेंड्स, दूसरे महीने में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो आगे भी जारी रहता है, यानी कि मॉर्निंग सिकनेस, कमजोरी, भूख नहीं लगना, ये लक्षण प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में भी दिखाई देते हैं। तीसरे महीने तक आपका पेट नहीं बढ़ता है, आपको देखकर पता भी नहीं चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तीसरे महीने में अस्तनों का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और निप्पल का रंग धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं गर्भावस्था के चौथे महीने के लक्षणों के बारे में। क्योंकि चौथे महीने में गर्भाशय के अंदर गर्भनाल अब गर्भावस्था हार्मोन उत्पादन करने लगता है, इसलिए आप इस महीने में अच्छा महसूस करती हैं। चौथे महीने में मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम कम हो जाती है, आपको भूख भी अधिक लगती है, जिस वजह से आप चटपटे अच्छे चीज़ों को खाना पसंद करती हैं। चौथे महीने में आपका पेट धीरे धीरे बड़ा दिखने लगता है और आपको ढीले कपड़े पहनने की ज़रूरत होने लगती है। प्रेगनेंसी के पाँचवें महीने में आपका बच्चा पूरी तरह से बन चुका होता है, बच्चे के सभी अंग लगभग बन चुके होते हैं, इसलिए गर्भावस्था के पाँचवें महीने में बच्चा हिलना डुलना शुरू कर देता है, गर्भाशय नाभि तक पर्याप्त रूप से पहुंच जाता है और आपका पेट दिखना शुरू हो जाता है। इस महीने में आपको बार बार पेशाब आता है और बेबी मूवमेंट को भी आप महसूस कर सकती हैं। इस महीने बच्चे की हलचल, तितली की फड़फड़ाहट या पेट में गैस बनने जैसा महसूस होती है। वहीं गर्भावस्था के छठे महीने में आपका बच्चा जल्दी जल्दी मूव करने लगता है, जिसे आप आसानी से महसूस भी कर सकती हैं। छठे महीने में आपको सीने में जलन की समस्या हो सकती है, इसलिए आपको एक बार में ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। दिन भर में 3 से 4 बार में थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 7वां महीना शुरू होते ही आपको कई तरह की परेशानियां आ सकती है। इस महीने में नींद ना आने की समस्या, पीठ दर्द, कमर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस महीने में आपके गर्भ का विकास तेजी से होता है, जिस वजह से आपका वजन भी तेजी से बढ़ने लगता है। वजन बढ़ने के कारण आपको झुकने में, उठने बैठने में परेशानी होने लगती है। इस महीने में बेबी किक भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। 7वें महीने में प्रीमैच्योर डिलीवरी होने का खतरा अधिक रहता है, इसलिए आपको सावधानी के साथ रहना चाहिए। 7वें महीने में आपकी नाभि बाहर निकलने लगती है, पेट पर नाभि लाइन भी बनने लगती है और इस महीने में आपको हाथों पैरों में सूजन की समस्या भी हो सकती है।
गर्भावस्था के 8वें महीने में आप और भी ज़्यादा थकान महसूस करती हैं। आपके लिए रात में सोना मुश्किल हो जाता है, बार बार नींद खुलती है और बार बार करवटें भी बदलती हैं। इस महीने में बच्चा गर्भाशय के नीचे की ओर रहता है, जिससे योनि पर दबाव महसूस करती हैं, जिस वजह से आपको और अधिक पेशाब आने लगता है। इस महीने में आपका वजन 10 किलोग्राम से अधिक बढ़ सकता है, जिस वजह से आप अधिक असहज महसूस करती हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं गर्भावस्था के 9वें महीने के लक्षणों के बारे में। गर्भावस्था के इस आखिरी महीने में आपका पेट बहुत बड़ा हो जाता है। इस महीने में अस्तनों से हल्के पीले तरल पदार्थ का रिसाव होने लगता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, ताकि डिलीवरी के बाद आप बच्चे को स्तनपान करा सकें। इस महीने के अंत तक बच्चा जन्म लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका होता है। डॉक्टर द्वारा दिए गए डिलीवरी डेट से एक वीक पहले या एक वीक बाद बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। यदि आपको हल्का हल्का दर्द और योनि मार्ग से पानी का रिसाव शुरू हो जाता है, तो फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि यह प्रसव के लक्षण हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्रेगनेंसी के हर महीने में दिखने वाले लक्षणों के बारे में। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट भी कीजिए, और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।